जनपद में स्थित एएसएम शुगर मिल अशमुरली व डीएसएम शुगर मिल रजपुरा का नया गन्ना पेराई सत्र का पूजा अर्चना व वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शुभारंभ हो गया। पेराई सत्र का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई व शुगर मिल के पदाधिकारियों ने कैन कैरियर में गन्ना डालकर किया। शुगर मिल में सर्वप्रथम गन्ना डालने वाले किसानों को तिलक लगाकर व साल उड़ाकर और उपहार देकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याओं का हर संभव समाधान करने का आश्वासन दिया और सभी से अपील भी की कि अपने अपने गन्ना वाहनों पर रिफ्लेक्टर अवश्य लगाएं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी पिंडी न्यूज। सबसे पहले आज छठ पर्व का शुभ दिन है, उसकी शुभकामनाएं। उसी दिन रजपुरा जो डीएसएम मिल है उसका शुभारंभ हुआ है गन्ना पेराई सत्र का। तो जो 375 रुपए शासन के द्वारा निर्धारित दर है उसी दर के ऊपर जो गन्ना क्रय किया जाएगा और जो रजपुरा समिति है उसके माध्यम से जो पर्ची जारी होगी उसी के आधार पे गन्ना क्रय किया जाए। दूसरा, किसी प्रकार की कोई ओवरलोडिंग लोडिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो भी हमारे शुगर मिल है, मैं और कप्तान साहब दोनों ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी ट्रैक्टर यहाँ पे आए उनके 100% ट्रैक्टर लगे ताकि दुर्घटना की कोई भी संभावना नहीं हो। और अंतिम बात की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, शासन प्रशासन पुलिस सब लोग उनके लिए हमेशा तैयार हैं और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो हम उनका तुरंत निदान करेंगे। सभी को शुभकामनाएं आज के शुभ पर्व पर। डीएसएम अशमोली शुगर मिल में गन्ना पेराई सत्र का आरंभ हुआ है और जिसमें जो हमारे बैल और किसान हैं दोनों को तिलक लगा के इसका शुभारंभ किया गया है। दो तीन चीजें हैं सभी